तो गाइस ये हमारे पास अभी हुए हैं छज्जू के पपीज, 1 2 3 4 5 6 बच्चे लाइव हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भी मैं सीजरिन की इतनी वीडियोस डालता हूँ, उनका रीज़न क्या है? हमारे को सीजरिन कब करना पड़ता है, कब डिसाइड करें भी सीजरिन करने की ज़रूरत है फीमेल के अंदर? तो अभी फ़िलहाल ये अभी न्यू बोर्न है, इनको ICU में रखा हुआ है। तो गाइस इसका रीज़न, इस पर्टिकुलर केस का रीज़न ये था, ये बच्चे की पोजिशन गलत थी, इसकी एक टांग पीछे की तरफ थी, हेड पीछे की तरफ था, ये सिर्फ ये लेग बाहर आ रही थी। तो ये डिस्टोकिया केस होते हैं जिसके अंदर मतलब पोजीशन गलत होती है पपीज़ की। तो इस टाइप के केसेस के अंदर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि अगर फीमेल में एक आधा बच्चा रह रहा है तो हम उसको स्टैटिक्स करके बाहर निकाल देते हैं, खींच के बाहर निकाल देते हैं। पर ये मदर बहुत ज़्यादा पेट था इसका, काफ़ी सारे पपीज़ लग रहे थे इसके अंदर, तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि इसका सीजरिन करना चाहिए। अगर ये लास्ट वाला बच्चा इस तरह का होता, ओवर साइज बच्चा जैसे सड़ गया, देखो ये काले रंग का हुआ पड़ा, वाइट कलर का बच्चा, तो ये कल से पुश कर रही थी फीमेल, तो फीमेल में ना दम भी नहीं था बिल्कुल, चली मायूस बैठी थी, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम होते हैं। फ्रेश फीमेल होती है उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी के चांस ले सकते हैं। तो ये फीमेल स्ट्रेस में थी तो इसका सीजरिन इमीडिएटली हमारे करना पड़ा। अब ये फीमेल ही आ चुकी है होश में, ये इसका सुचर लाइन है जहाँ से हमने पपीज निकाले हैं। अभी थोड़ा सा एनेस्थीशिया की वजह से कांप रही है फीमेल, तो बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी रहेगी इसकी। और ये डिसाइड करना पड़ता है, ये हार्ड डिसीजन होते हैं जो लेने पड़ जाते हैं, पर हमने वेलफेयर देखनी है कि किस चीज़ में मर को वो है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कोशिश करते तो सारे बच्चे मर जाते, वो तो खैर मरा हुआ था पहले के ना। तो एक और डिलीवरी चल रही है यहाँ पर फीमेल की, ये अभी इसके दिन पूरे हो गए हैं तो ये पानी गिरा रही है, अभी इसको ड्रिप लगाई है हमने, तो देखते हैं इसका क्या रहता है फीमेल का। इसकी भी हम नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे फीमेल की। जो जो तीन मेरे आईसीयू पे डाल दूजिए टांग बाहर आ रही थी, एक बार देख लो कोशिश करके।
बच्चा भी बड़े साइड इफेक्ट है ना। आपने वो तरह नहीं खाते।